हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट द गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में हमें क्या बात करनी होती है, हम पहले इससे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। लेट अस से हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 8, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं ए आई 1 2 3 8, और इधर लिख दिया आई 1 0 0 1, राइट। ये आई 2 है, राइट। तो अभी हमें पता है कि ये, इससे हम क्या करते हैं, बेसिकली सॉल्यूशन निकालते हैं ऑफ ए एक्स इक्वल टू आई। अब ए एक्स इक्वल टू आई में एक्स एक्स जो है, जो सॉल्यूशन है वो है ए इनवर्स, तो राइट। तो हमें x निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे, इसे i बना देंगे। अगर ये i बन गया तो ये भी कुछ चेंज आएगा। अब ये जो चेंज आएगा ये एक्चुअली होगा i इंटू एक्स इंटू जो इधर नया मैट्रिक्स बनेगा वो, और क्योंकि x ए इनवर्स है तो नया मैट्रिक्स बनेगा वो होगा ए इनवर्स। तो बेसिकली अगर इसे i बनाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से तो ये ए इनवर्स बन जाएगा। तो ये ऐसा हो जाता है i ए इनवर्स, ओके। और अभी हम इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 2 3 8 है, राइट। तो आर टू माइनस थ्री आर वन किया, आर टू गोज टू आर टू माइनस थ्री आर वन, इसे ज़ीरो किया, बाद में इसे वन किया और ऊपर वाले एलिमेंट को ज़ीरो किया, ओके। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से तो ये जो मैट्रिक्स बनता है ये होता है ए इनवर्स, और ये आता है 4 -1 -3/2 + 1/2। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल लर्निंग विद आशुतोष। थैंक यू सो मच।